गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आज आपको क्लास वन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले आप लोग अपनी साइंस की बुक को निकालेंगे। आपका चैप्टर नेम है वाटर, यानी पानी। तो मैंने वाटर चैप्टर में कुछ वर्ड मैंने बोर्ड पर लिख चुकी हूँ, आप इसे अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। तो आप देखेंगे वर्ड मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। वाटर यानी जल, प्रेशियस यानी बहुमूल्य, सोर्सेस यानी स्रोत, थर्स्टी यानी प्यासा, कुक यानी पकाना, वॉश धोना, पीपल लोग, रिवर यानी नदी। ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग है, इसे आप नोटबुक में लिखकर इसे याद करेंगे। तो अब चलिए आप लोग साइंस की बुक को निकालेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। व्हाट डू यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, हम पानी कहाँ से पाते हैं। हाउ कैन यू सेव वाटर, हम पानी को सेव कैसे कर सकते हैं। ये तीन चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वाटर इज वेरी प्रेशियस, वाटर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स टू रिमेन अलाइव, रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, जल जो है वो हमारे लिए बहुत मूल्य चीज है, और हर सजीव प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए, जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, इसका मेन सोर्स जो होता है वो बारिश का पानी होता है। नीचे नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ वाटर यानी जल का उपयोग। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, वाटर इज नीडेड फॉर मैनी पर्पस, पौधे और जानवरों को भी जल की आवश्यकता होती है। और वो किस तरह से पानी को जरूरत की महसूस करते, चाहे वो हम हो या कोई भी एनिमल्स हो या कोई भी जानवर हो, कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट में देखिए आपका बुक में दिया हुआ है, वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हमें प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं। वी बाथ विथ वाटर, हम लोग पानी से नहाते भी है। वी नीडेड वाटर फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू वॉश यूटेंसिल्स, यानी बर्तन धोने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू वॉश क्लॉथ, कपड़ों को धोने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर टू क्लीन आवर हाउस, और घर की सफाई के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, सम अदर यूजेस ऑफ वाटर, कुछ ऐसे भी चीजों में हम लोग पानी का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या चीज में करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, बोट्स एंड शिप्स रन ऑन वाटर, आपने देखा होगा कि जल में बोट और शिप पानी में ही चलते हैं। पीपल स्विम इन वाटर, तैरने के लिए भी लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। वाटर इज नीडेड टू पुट आउट फायर, यानी आग जब लगती है तो हमें उसे पानी से बुझाने की आवश्यकता होती है। सोर्सेज ऑफ वाटर यानी सोर्स यानी स्रोत, पानी कहाँ से आता है, उसका स्रोत क्या है। वी गेट वाटर मोस्टली फ्रॉम रेन्स, व्हेन इट रेन्स वाटर फिल्स अप इन पॉन्ड्स, पडल्स, लेक एंड रिवर्स। एट होम वी गेट वाटर फ्रॉम द वाटर टैप, सम ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स। आप देखते हैं कि पानी बहुत जगह से हम लोग प्राप्त करते हैं, कहाँ कहाँ से करते हैं, लेकिन इनका मेन सोर्स जो होता है वो रेन होता है यानी बारिश। पहला है बारिश, सेकेंड में आपका आता है क्या, पॉन्ड तालाब, पदल्स मीन्स होता है पोखर, लेक्स एंड रिवर नदी झील, ये सब चीजों से हम पानी पाते हैं। लेकिन घरों में हमारा जो पानी आता है वो वाटर टैप से आता है यानी नल से आता है, और कुछ घरों में कुएं भी होते हैं, वेल्स मतलब होता है कुआं, उससे भी हम लोग पानी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लीनिंग वाटर यानी पानी को साफ कैसे रखते हैं हम लोग। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर, अनक्लीन वाटर मेक अस सिक, वी मस्ट बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, इट इज ऑल्सो सेफ टू ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग हैज इट इज सेल्फ। हम लोगों को हमेशा
पानी पीना चाहिए। अनक्लीन वाटर मेक अस सिक, यानी अगर हम साफ पानी नहीं पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और पानी पीने से पहले हमें पानी को बॉयल करना चाहिए, यानी हमें उसे उबालना चाहिए या हमें फिल्टर करके पानी को पीना चाहिए। सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग हैज इट सल्टी, और समुद्र का जो पानी होता है वो हमारे लिए पीने के लायक नहीं होता है क्योंकि वो सल्टी यानी नमकीन होता है। तो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं पानी को किस ढंग से बॉइलिंग करके दिया हुआ है। हम वाटर को फिल्टर करते हैं तब हमें ऐसे साफ पानी को पीना चाहिए। सेविंग वाटर, यानी हम पानी को सेव कैसे कर सकते हैं, उसे बचा कैसे कर सकते हैं, उसे हम जमा कैसे कर सकते हैं। व्हेन इट रेन बकेट्स ड्रम्स एंड टैंक्स इट इज कैन बी फिल्ड विथ रेन वाटर। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर बाथिंग वॉशिंग क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट। हम लोग रेन यानी जो बारिश का पानी आता है उसे हम लोग बकेट में ड्रम में टैंक में जमा कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और फिर इसका उपयोग हम लोग नहाने में धोने में घर की सफाई करने में या पौधे में पानी डालने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा वाटर के बारे में, तो आपका लेसन यही समाप्त होता है। थैंक यू।